हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस ज्योत्सना मीना। आज मैं आपको कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन के प्रथम पाठ व्यवसाय का प्रकृति एवं उद्देश्य की सेकंड पीडीएफ जो है उसमें दिए गए प्रश्न व्यवसाय में लाभ का महत्व समझाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम ये अच्छे से जानते हैं कि लाभ क्या है। लाभ से आशय उस प्रेरणा से है जिस प्रेरणा के लिए व्यापारी कार्य करता है। यह व्यवसाय का सबसे पहला सबसे प्रथम उद्देश्य होता है, आर्थिक उद्देश्य होता है जिसके लिए एक व्यापारी कार्य करता है। व्यवसायी या व्यापारी किसी भी वस्तु को खरीदता है, खरीदने के बाद उसको बेचता है, तो क्रय विक्रय का जो अंतर है उस अंतर में से यदि हम अन्य खर्चे घटा दें तो हमें जो राशि प्राप्त होती वह लाभ कहलाएगी। लाभ में सबसे पहले हमें लाभ का महत्व जानना जरूरी है। लाभ में किसी भी तरह के खर्च शामिल नहीं होते हैं, अर्थात यदि एक वस्तु हमने 1000 में खरीदी और 2000 में बेची तो 1000 लाभ नहीं है। उस बचे हुए 1000 के अंतर में से जब हम अन्य खर्चे घटा देते हैं, जैसे स्टेशनरी का खर्चा, वेतन देने का खर्चा, व्यवसाय के स्थान का किराए का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सब खर्चे घटा देते हैं तब जो प्राप्त होगा वह लाभ होगा। अर्थात यदि 1000 की वस्तु 2000 में बेचते हैं तो शेष बचा 1000, उसमें से 100 रुपये के अन्य दूसरे सारे खर्चे यदि होते हैं तो वो घटाने के बाद में शुद्ध जो है लाभ वह बचेगा 800 रुपये। इस प्रकार लाभ की गणना हम आगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं लाभ क्या है। सर्वप्रथम लाभ का महत्व क्या है। पहला महत्व लाभ का है कि लाभ एक प्रेरणा है। लाभ एक ऐसी प्रेरणा है अथवा एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यवसायी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लाभ के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए ही एक व्यापारी समस्त कार्य करता है। खरीदना, बेचना, व्यापार में मेहनत करना, दिन भर दुकान पर बैठना, ये सारे काम व्यवसायी किस लिए करता है? क्योंकि उसे लाभ प्राप्त होने का एक आशय होता है, लाभ प्राप्त होने की एक उसके पास प्रेरणा होती है, इसलिए वह यह सब कार्य करता है। तो लाभ एक प्रेरणा का कार्य करता है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर व्यवसायी अपना समस्त व्यवसाय का कार्य करता है। दूसरा देखिए, आवश्यकता पूर्ति का स्रोत। लाभ व्यवसाय की आवश्यकता पूर्ति का स्रोत होता है। व्यवसाय में एक नहीं अनेक आवश्यकता होती हैं, जैसे व्यवसायिक स्थान का खर्चा, किराए का खर्चा, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, यातायात का बिल, यातायात के खर्चे, पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, उत्पादन का खर्चा, आने जाने के किराए का खर्चा, व्यवसाय में कार्य करने वाले लोगों को वेतन देने का खर्चा, मजदूरी देने का, अनेक प्रकार की आवश्यकताएं व्यवसाय में होती हैं और साथ ही व्यवसाय की स्वयं की आवश्यकता भी होती है। इन सभी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यवसाय एक लाभ एक स्रोत का कार्य करता है। इसी के द्वारा इन सारे खर्चों की पूर्ति होती है। कुशलता की माप। व्यवसाय में लाभ होना अत्यंत आवश्यक है। लाभ के द्वारा ही आप किसी व्यवसाय की कुशलता को माप सकते हैं। जिस व्यापार में जितना अच्छा लाभ होगा आप कह सकते हैं कि वह व्यापार उतना अच्छा चल रहा है या वह व्यापारी उतना ही कार्य कुशल है। उदाहरण के लिए एक व्यापार का लाभ 10,000 है, उसी आकार प्रकार के समान व्यवसाय का लाभ 15,000 है, तो यहाँ 15,000 वाले व्यवसाय को आप अधिक कुशल मानेंगे, उसकी कुशलता की माप भी माना जा सकता है। परिश्रम का प्रतिफल। व्यवसायी व्यापार का कार्य करने के लिए अनेक प्रकार से परिश्रम करता है। वह दिन भर व्यवसाय के कार्य में लगता है, वह सुबह से शाम तक दुकान पर बैठता है, फैक्ट्री में काम करता है या मजदूरों का ध्यान रखता है, अकाउंट्स का काम भी देखता है, अनेक प्रकार के छोटे मोटे काम होते हैं जो व्यवसायी को करना होते हैं, जिसके लिए व्यवसायी तत्पर रहता है। बड़े व्यवसायी कई प्रकार के मीटिंग्स लेते हैं, विज्ञापन आदि का कार्य
के लिए व्यवस्थाएं देखते हैं या अनेक प्रकार के दूसरे भी कार्य होते हैं। तो व्यवसाय में ये सभी प्रकार के जो परिश्रम होते हैं, इन सभी परिश्रम के बदले, दिन भर की जाने वाली मेहनत के बदले जो व्यवसाय को प्रतिफल प्राप्त होता है, वही लाभ होता है। इसी प्रकार व्यवसाय के विकास का आधार लाभ के द्वारा ही व्यवसाय का विकास संभव होता है। प्रत्येक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ धन लगाने की आवश्यकता सदैव रहती है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विज्ञापन का खर्च होता है, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, बड़े स्थान, बड़ी दुकान या बड़े वर्कशॉप की आवश्यकता होती है। तो इन सभी प्रकार के विकास के कार्यों के लिए व्यवसाय का, मान लो कि व्यवसाय खाली इंदौर में चल रहा है तो उसे मध्य प्रदेश में फैलाना हो, मध्य प्रदेश में चल रहा है तो पूरे देश में फैलाना हो, और देश में चल रहा है तो विदेशों तक फैलाना हो। इस प्रकार से अनेक प्रकार से व्यवसाय का विकास करने के लिए लाभ होना आवश्यक है। यदि लाभ नहीं होगा तो व्यवसाय का विकास करना संभव नहीं होगा। इसलिए लाभ का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाभ किसी भी व्यवसाय के विकास का आधार होता है। थैंक यू।